क्या आपको पता है अंधे लोग रास्ते पर चलने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ये बात आज से करीब 90 साल पहले की है, यानी कि 1930 की है, जब एक जॉर्ज बोनम नामक व्यक्ति ने एक बेचारे अंधे को रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हुए देखा। उस अंधे आदमी की छड़ी का रंग काला था, इसलिए मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों का उस छड़ी पर ध्यान नहीं जा रहा था। उस टाइम पर ऐसी काली छड़ी को देखकर लोग समझते थे कि कोई अंधा इंसान खड़ा है रोड पार करने के लिए। तो ये सब देखकर जॉर्ज बोनम ने लोगों के सामने ये बात रखी और आइडिया दिया कि अंधे लोग के पास जो छड़ी रहती है उसका रंग काले से बदलकर सफ़ेद और उस छड़ी पर लाल पट्टी लगा दी जाए, जिससे ये छड़ी लोगों की नज़र में अच्छे से आए और अंधे लोग अपना रास्ता अच्छे से चल पाए। धीरे धीरे इस तरीके को पूरी दुनिया ने अपना लिया। आज के समय कई देश में इस छड़ी का इस्तेमाल बिना सरकार की परमिशन के करना एक जुर्म है और यहाँ तक जेल भी हो सकती है। ये कानून कुछ हद तक इंडिया में भी लागू है। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही फैक्ट्स वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।